की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं सीए, तो हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा जो रूट सीए होगा। अब उस रूट सीए को मैं क्लाइंट ए रिक्वेस्ट करेगा कि ये मेरी पब्लिक की है, आप इसको काइंडली साइन कर दें। अब क्लाइंट बी को जब मैं की दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जब तक वो रूट सीए से उसको कन्फर्मेशन नहीं आ जाती। सीए का मतलब होता क्या है, इसकी बिहाफ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। सीए के अंदर बेसिकली पीटीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट की जनरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, दूसरा उसके अंदर वो साइनिंग का प्रोसेस हो रहा है, तीसरा रेवोकेशन का प्रोसेस जो सीए सर्टिफिकेट हमारे रेवोकेशन का प्रोसेस हो रहा था, और चौथा ऑथेंटिकेशन जो हमारे सर्टिफिकेट का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो जो आपका मेन सीए होता है रूट सीए, उसका बस कौन सा सीए होता है, कौन सा? चलिए मैं फर्स्ट करेंगे, एक जो आपका पेरेंट सीए है सर, ठीक है, जो पेरेंट कोई यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, तो या कोई एक्टिविटी सर्वर है, ठीक है, उसके पास कौन सा सीए होता है, जो सीए के अंदर की कौन सी होती है अवेलेबल, पब्लिक की होती है उसके पास अवेलेबल, जब वो उससे क्लाइंट को कम्युनिकेशन करने आता है वो किस पे आप कम्युनिकेशन करने आता है, उसके पास प्राइवेट कीज होती है। अच्छा, जब सीए ने या किसी भी एक क्लाइंट ने दूसरे से करनी हो कम्युनिकेशन, तो वो उसकी पब्लिक की से करेगा, दूसरे की पब्लिक की से आप कम्युनिकेशन करेंगे। अब क्योंकि वो मैसेज सब जगह हुए भी बेशक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन उसको डिक्रिप्ट सिर्फ वही कर सकेगा जिसकी पब्लिक की यूज हो रही है, यूजिंग इट्स ऑन प्राइवेट, मतलब एक पीसी दूसरे पीसी से बात कर रहा है तो इसकी पब्लिक की वो यूज करेगा वो वाला। अब वो बेशक सबके पास मैसेज चला जाए लेकिन डिक्रिप्ट यही कर सकेगा, क्योंकि इसके पास अपनी प्राइवेट की है और पब्लिक की के साथ इंक्रिप्ट हुआ है, तो उसको डिक्रिप्ट करते हैं। सबको सर, इसको है सर, अब ये बता रहे थे इसका मतलब तो नहीं क्या है, अब सर वो इसने बताया इसका मतलब, आप कहते हैं कि लेकर हो गया, हम जाते हैं घर में रिश्तेदारों से मिलने चले गए, काम शाम करने चले गए, खाना खाने चले गए, ये तो सर बच्चों के साथ खेल गए, इसका काम होता है कंप्यूटर पर बैठ के पढ़ना। अच्छा सर, इसमें एक और नजिक बात, वैसे एक और कंसेप्ट है कि जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कम्युनिकेशन हो रही है बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट की हो रही है, बिल्कुल फाल्स है। जो कम्युनिकेशन एक्चुअली हो रही होती है वो सिमेट्रिक की के ऊपर ही हो रही होती है, यानी इन दो कंप्यूटर ने अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो पब्लिक प्राइवेट की के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि पब्लिक प्राइवेट की एक्सचेंज करेंगे जस्ट टू वेरीफाई, टू क्रिएट ए सिमेट्रिक की, फिर कम्युनिकेशन उस सिमेट्रिक की के बेस पे ही होगी। सिमेट्रिक की में ये होता है कि दोनों एंड को पता होता है ये पासवर्ड है, मिसाल के तौर पर, तो उसका सिर्फ इशू ये होता है कि अगर दो बंदों को पासवर्ड पता है और सीए इन्वॉल्व नहीं है तो उसका अगर वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो ब्लेम नहीं आप कर सकते दूसरे को। सिमेट्रिक का मेथड यूजिंग पीकेआई ठीक है, वैसे भी यूजिंग पीकेआई, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है दुनिया में। देखें अगर ओबामा साहब पाकिस्तान में अपने एम्बेसडर को कॉल भी कर रहे हैं ना, तो यूजिंग सिमेट्रिक की एंड ऑफ द डे हो रही है। वैसे अगर वो अपने पासवर्ड को यूज करेगा पब्लिक प्राइवेट, तो उसके भी आप कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, वो क्योंकि साइज ही बहुत बड़ा होता है, और फिर वो एक्चुअली बनी नहीं इस काम के लिए जो पीकेआई है, कम्युनिकेशन के लिए नहीं बनी वो, जस्ट टू वेरीफाई दी की सिमेट्रिक की को वेरीफाई करने के लिए, और कम्युनिकेशन हमारी उसी के ऊपर होती है। फेडरेशन की सॉल्यूशन विदाउट सीए नहीं हो सकती, इसको भी सीएमएस चाहिए होगा, ठीक है, सीए को कुछ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ये पूरी लैब ही होगी सीए की, सीए की लैब सारी आज तो नहीं हो सकती, ठीक है, ये लंबा टॉपिक है जरा, ठीक है, पढ़ना चाहें करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसमें तीन से चार लैब्स हैं आपकी, ठीक है, एक इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम्स की लैब होगी, एक ऑनलाइन वेब सर्विसेज की लैब होगी, फिर एक नॉर्मल जो क्लाइंट सीए मिलता कैसे है एक उसकी लैब होगी, ठीक है, चेंज है तो उसका भी मैं बता दूंगा आपको कि एक्सचेंज पर सीए कैसे उसको मिलता है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब मेन सर्वर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो अगर क्लाइंट के पास इन हाउस भी इंटरनेट की अगर उसके पास सीए नहीं है तो वो ऑथराइज नहीं करते उसको, वो मेल ही नहीं उसको बिल्कुल
लेकिन जब आप उसको आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं अपना सीए यूज करने के लिए, उसके लिए आपका ये वाला सीए काम नहीं करता। उसके लिए आपको जो है थर्ड पार्टी का रिलाय करना पड़ता है, उसके लिए अगर ऑनलाइन आपको सीए परचेज करना पड़ता है। सीए वैसे आप लोग डेली बेसिस पे जब काम कर रहे होते हैं तो सीए से कितना वास्ता पड़ता होगा, अब आप नहीं बोल रहा, आप डेली इंटरनेट यूज कर रहे हैं कितना सीए कर रहे हो, हर वेबसाइट पे जाते हैं जो आज आप वो नहीं देख रहे, वो आता नहीं है, वो सिक्योरिटी वाली वार्निंग आती है, सब पे सीए सब पे होता है ना सर। ये अक्सर जो सर सिस्टम में हम लॉगिन करते हैं और वो सर्टिफिकेट मांग देते हैं कि इसका वो हम यू आर एस में ऐड कर लेते हैं, तो वो भी सर सी ही है। इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट सॉरी सिस्को कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, AES-256 यूज हो रहा है इंक्रिप्शन के लिए।
इंक्रिप्शन पे। वैसे जो दूसरा हैशिंग एल्गोरिथम कौन सा यूज होता है? हैशिंग SHA जो SHA-3 और वो यूज हो रहा है। SHA यूज हो रहा है। SHA इसमें 256 भी है, 512 भी है, ठीक है सर। अभी तक ये कहते हैं कि ये अभी तक हैक नहीं हुआ सर, ठीक है, वरना अदरवाइज जितने भी हैं वो सब हैक हो चुके हैं, ठीक है। ये अभी तक सिक्योर है, देखेंगे कब कंप्रोमाइज होती है। इसके अंदर जी इम्प्लीमेंटिंग एंटीडोटिक सॉफ्टवेयर सर्विस, ठीक है, इसकी पूरी लैब्स है, ठीक है। पहले तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। एंटीडोटिक सॉफ्टवेयर सर्विसेज है क्या चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट में क्या है कि BK ओवरव्यू है, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉइंग CAs है, ठीक है, डिप्लॉइंग मैनेजर है, सॉफ्टवेयर टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेप्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग जो है सॉफ्टवेयर रिकवरी है, ठीक है। उसके बाद PKI क्या चीज़ है? PKI क्या है? PKI एक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोवल होगा, ठीक है। PKI के अंदर CA उसके अंदर है, मतलब CA उसका पार्ट है PKI का, ठीक है। PKI क्या है? एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और PKI इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिंगल हायरार्की नहीं है, ये मल्टीपल हायरार्की है, ठीक है। PKI के अगर बहुत आसान एक एग्जाम्पल लेना चाहते हैं ना कि PKI को अगर अंडरस्टैंड करना है, PKI क्या चीज़ है? PKI को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिंपल एविएशन की एग्जांपल ले सकते हैं। एविएशन के अंदर अगर आप कहते हैं कि एविएशन की हिस्ट्री में कभी ऐसा जहाज क्रैश नहीं हुआ, ठीक है, तो जब जहाज क्रैश होने की बात हो रही है तो आप उसमें किस को ब्लेम करेंगे? पायलट को करेंगे, मैकेनिकल टीम को करेंगे, उनका ट्रैफिक कंट्रोल टावर को करेंगे, इंजीनियर्स को करेंगे, किस को करेंगे? उसमें कितने टीम इन्वॉल्व हो रही है? मल्टीपल टीम्स हैं उसमें, ठीक है। तो एविएशन के एग्जांपल अगर PKI के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि उसके अंदर वो है तो एक मतलब डिपार्टमेंट एविएशन, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की एक अपना अपना जो है एक रोल अदा होता है, ठीक है, अपनी पूरी प्रेजेंस है। इसी तरह PKI के अंदर, ठीक है, PKI के अंदर आगे सुन के हम देखेंगे कि PKI के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। और PKI के अंदर मैंने कहा कि जो CA सेंट्रल अथॉरिटी है वो एक उसका पार्ट है। अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें ना सर, PKI को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो PKI कभी भी एक डोमेन